तो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज नितिन सिंह, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाइयों, आज का जो वीडियो है ना वो है वीट हेयर रिमूवल क्रीम के बारे में, जो कि इंडिया में फिलहाल में ही लॉन्च हुई है वीट मैन की तरफ से। ओके, तो ये फर्स्ट ब्रांड है वीट मैन का जो कि हेयर रिमूवल क्रीम के लिए इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो क्या करेगा, आपके अनवांटेड जो हेयर्स हैं उनको रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस और इस वीट में फ़र्क क्या है। तो भाइयों, पहले जो वीट आती थी ना वो होती थी स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए, पर कोई और ऑप्शन नहीं होने की वजह से हम बॉयज़ भी उसको यूज़ करते थे, खतरनाक वैक्सिंग के दर्द से बचने के लिए और फालतू रेजर के कट से बचने के लिए हम भी सोचते थे चलो वीट वाली ही यूज़ कर लेते हैं। पर उसमें होता क्या था, वो गर्ल्स के अकॉर्डिंग थी, तो गर्ल्स के मुकाबले जो बॉयज़ के हेयर होते हैं ना वो थोड़े थिक होते हैं, तो इस वजह से क्या करना पड़ता था, क्रीम भी ज़्यादा लगती थी और उसके साथ टाइम भी ज़्यादा लगता था। अगर क्रीम ज़्यादा लगाएंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा लगेगा, तो उससे कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, और अगर ज़्यादा टाइम तक उसे यूज़ करते थे ना तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा केमिकल, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक अगर उसको हम लगाए रखते थे एक ही एरिया पे तो उससे स्किन बर्न होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते थे, और साथ ही वो स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती थी और उसके साथ डार्क होने लगती थी। तो भैया उसका यूज़ बॉयज़ के लिए काफ़ी हद तक सेफ़ नहीं था और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी नहीं था। तो भैया उसको अगर यूज़ करते थे ना तो कई बार हेयर्स भी अच्छे से रिमूव नहीं होते थे उस एरिया के। तो भैया इसके चलते वीट ने इसके बाद एक जेल निकाला था जो कि ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, और उसके बाद जो अब आया है ये है वीट की हेयर रिमूवल क्रीम। एंड जो पहले प्रोडक्ट आता था ना वीट का, वो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए नहीं था, सेंसिटिव स्किन वाले उसको यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स थे। तो भाइयों अब जो वीट ने जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है ना वो सेंसिटिव स्किन और नॉर्मल टाइप स्किन दोनों टाइप की स्किन के लिए लॉन्च किया है। तो भाइयों सबसे पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट मेरे पास ये है वीट की हेयर रिमूवल क्रीम जो कि है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, क्योंकि मुझे अभी मार्केट में यही मिली तो मैं यही लेके आया हूँ मेंस। और इसके अलावा एक नॉर्मल स्किन वालों के लिए भी आती है जो आप ले सकते हैं अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो। सो भाइयों इससे आप अपनी बॉडी के ऑल अनवांटेड हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं, अपने फेस के अलावा पूरी बॉडी में कहीं भी जहां भी आपका मन हो आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं और अनवांटेड हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। सो भाइयों अब ये मेंस के लिए जो आ गया है ना वीट पेन काफ़ी ज़्यादा हिट होने वाली है मेरे अंदाजे से। तो सो भाइयों आपको बताना अगर क्रीम यूज़ करोगे ना तो कैसा रहा इफेक्ट। तो सबसे पहले इसकी MRP की बात करें तो 199 इसकी MRP है, पर अमेजोन या फ्लिपकार्ट से अगर आप परचेस करेंगे ना तो आपको 20 या 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे नीचे एफिलिएट लिंक है, उससे आप परचेस कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सो भाइयों ये जो वीट है ना इसे बॉयज़ की हेयर और बॉयज़ की स्किन दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया है स्पेसिफिकली बॉयज़ के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ ना तो इसमें पुरानी वीट की तरह ऑल केमिकल ही है, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, ये स्क्रीन में दे दूंगा आप खुद पढ़ लीजिएगा। सो भाइयों अब आपको ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा क्रीम यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है एक हेयर को रिमूव करने की, ना ही रेजर लगाने की और ना ही एक पेनफुल वैक्सिंग कराने की। सो भाइयों इसको मैंने भी यूज़ किया था अपने अंडरआर्म्स और अपने हैंड और अपने चेस्ट के हेयर को रिमूव करने के लिए, तो मेरा एक्सपीरियंस जान लेते हैं कैसा था। सो भाइयों मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, पुरानी वीट के मुकाबले ये मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी, पुरानी वीट के मुकाबले इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है। और इसको जब आप अप्लाई करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अमाउंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा टाइम तक रखने की भी ज़रूरत नहीं है। सो भाइयों मैंने इसको यूज़ किया था, मेरे लिए तो इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा पुरानी वीट के हिसाब से और वैक्सिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर और इसको यूज़ कैसे करना है तो अभी मैं आपको एक डेमो दे दूंगा, मैं आपको दोबारा से लगा के तो दिखा नहीं सकता, तो मैं आपको फिलहाल एक डेमो दे देता हूँ कि आपको यूज़ कैसे करना है। सो भाइयों अभी मैं इसका आपको डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि ये क्रीम है हमारे पास और इसको लगाने के लिए आपको इसके बॉक्स में ही ये मिलेगा अलग से, सो आपको इसको यूज़ करना है इसको अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्रीम को लेना है इस पर, सो आपको अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग आपको क्रीम लेनी है, जितने आपके हेयर्स है उस हिसाब से आप खुद ट्राई कर लीजिएगा कि आपको कितनी क्रीम लगने वाली है उसमें। सो आपको इस पार्ट में इसमें क्रीम लगानी है, और जैसे आपको अपने हैंड से हेयर रिमूव करने हैं तो आपको ईजिली हल्के हाथों से इसे अपने पूरे हेयर्स पर अच्छे से लगाना पड़ेगा, हल्के हाथों से एकदम इस टाइप से बहुत ही सॉफ्टली आपको इसको लगाना पड़ेगा अपने अपर्स हेयर्स में। सो भाइयों अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ना तो आपको इसको मिनिमम 5 मिनट्स के लिए अपनी स्किन पर लगाए रखना है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 10 मिनट्स इसको रखना है, और उसके अलावा आप इसे ज़्यादा टाइम ना लीजिएगा क्योंकि स्किन आपकी बर्न हो सकती है। क्योंकि सेंसिटिव स्किन है उनको 5 to 10 मिनट इसको मैक्सिमम रखना है, और इसके बाद इसको ईजिली वाटर से वॉश कर देना है। और जिन भाइयों की नॉर्मल स्किन है ना उनको मैक्सिमम इसको 6 to 7 मिनट्स अपनी स्किन पर लगाए रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना। ओके सो अभी ये मेरे हैंड्स पर लगा हुआ है, तो मैंने तो अभी अपने हेयर्स रिमूव कर रखे हैं, तो मैंने डेमो के लिए लगाया, तो आपको मैंने बता दिया जिस टाइम के अकॉर्डिंग आपको रहना है, और उसके बाद आपको जो इसका ये पार्ट है
इस पार्ट से हमने क्रीम अप्लाई की थी, और ये आगे जो थोड़ा रेजर टाइप का पार्ट है इससे आपको इसको रिमूव करना है इजीली। सो आपको इस डायरेक्शन में इसको रिमूव करने के लिए यूज़ करना है इस टाइप से। तो काफ़ी इजीली ये रिमूव हो जाएगा और जो आपके हेयर्स होंगे वो इसमें ही आ जाएंगे। सो भाइयों, स्किन काफ़ी आपको आपकी स्मूथ लगेगी, आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट लगेगी यूज़ करने के बाद, और आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी और हाइड्रेट रहेगी। ये जो वीट मैन की जो प्रोडक्ट है ये बोलता है कि आपकी स्किन 24 आवर्स तक हाइड्रेट रहेगी। सो भाइयों, क्रीम को हटाने के बाद नॉर्मली आपको अपने हैंड को वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से, तो इसके बाद आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा और ज़्यादा देर तक आपको रखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने बता दिया आपको। और इसके MRP की बात कर ली, 199 इसकी MRP है, और कैसे यूज़ करना है और मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी इस वीडियो में। तो वीडियो अभी करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो मुझे, तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे नए नए रिव्यू लाता रहता हूँ, नई नई मेन ग्रूमिंग टिप्स देता रहता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। तो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।